Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने 2 ग्लास दूध लिए हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, इसे मैंने ग्रीन पार्ट जो इसका होता है वो मैंने हटा कर इसे धो लिया है। और ये मैंने 1/2 कप मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम ली है और 1/2 कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हमें उसके लिए चाहिए ये आइस क्यूब्स, जितना आप ठंडा पसंद करते हैं उतने डाल लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी। ये हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेश क्रीम। ये मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये मैंने डाल दिया है। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो चलिए अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। आप ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, बहुत मज़े का आपको ये लगेगा। रमज़ान में बनाइएगा, ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा। अब हम इसके ऊपर ये रख देंगे स्ट्रॉबेरी। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल में है किंदा किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।